किशन भाई यहाँ पे देख सकते हो वारी 11 फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में, यानी आपका ये जो पेड़ है आपका एक साल का पेड़ है और आज आपका डेट है 4 सितंबर 2023। इस डेट में दिखाने वाला है वारी 11 का फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में, यानी आपका जो पेड़ यहाँ पे देख सकते हो एक साल का पेड़ कितना ज़्यादा करके फ्रूट प्रोडक्शन देते हैं, यानी आपका 4 kg के आसपास इसका फ्रूट वेट आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रूट अभी तक मैच्योरेट नहीं हुआ है, इस टाइम में भी आपका फ्रूट पकड़ा हुआ रहती है। अगर इसका टेस्ट के बारे में बोलूँ बहुत ही स्वीट और बहुत ही मीठा टेस्ट आती है, साथ ही साथ इसका वेट भी काफ़ी बढ़िया होती है, 4 kg का आसपास इसका वेट रहती है। तो कोई भी किसान भाई अगर इसका कमर्शियली खेती करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। साथों साथ यहाँ पे जो पेड़ है आपका एक साल का पेड़ है, एक साल का पेड़ में यहाँ पे देख सकते हो फ्रूट भी प्रोडक्शन हो रहा है और साथों साथ यहाँ पे बहुत सारा आपका मंजर अभी तक आपका आ रहा है, छोटा छोटा आपका फ्रूट भी पकड़ा हुआ है। मतलब आपका एक साइड में मैच्योरिट फ्रूट खत्म होती है, दूसरे साइड में आपका जो छोटा मैच्योरिट वाला फ्रूट आती है, छोटा छोटा फ्रूट आती है वो आपका मैच्योरिट होती है। अगर इसका फार्मिंग करने है तो आपका साल में मतलब ऑफ सीजन में फ्रूट प्रोडक्शन मिलती है, यानी आपका फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ सीजन में मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा फ्रूट आपका लगा हुआ है मंजर का साथ, यहाँ पे देख सकते हो ये भी आपका मैच्योरेट होगा, कुछ दिन बाद में मैच्योरेट हो जाएगा। तो अगर कमर्शियली खेती करने तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, साथों साथ इसका जो फ्रूट प्रोडक्शन देती है यहाँ पे देख सकते हो पूरा जेन्युइन असली वाला फ्रूट प्रोडक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो कोई भी किसान भाई का अगर इस फ्रूट का फार्मिंग करना है, इसका जो छोटा क्वालिटी का प्लांट हम लोगों के पास मौजूद है, ये प्लांट अगर चाहिए लगाने के लिए प्लांटेशन करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें, उसका भी प्लांट मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में सर्विस अवेलेबल है। साथों साथ इस चैनल में आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, इस तरीके से वीडियो आपका मिलते रहेगा। धन्यवाद लास्ट तक पूरा वीडियो देखने के लिए, और कोई भी आपका मित्र सहयोगी है तो उसी के पास शेयर करके देखने का सुझाव करवा दीजिए। धन्यवाद।